हेलो फ्रेंड्स एंड वेरी वॉर्म वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माय फेवरेट वीडियो। मगर वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें बिना यहाँ से ना जाएं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है ना, मैं काफ़ी दिनों से आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी, पर पता नहीं क्यों ये डिले होता जा रहा था। ये मेरा एक बहुत ही अच्छा, मैं इसमें एक ब्राइटनिंग लोशन आपको बना के दिखाऊंगी जो कि हर स्किन टाइप के लिए सूट करेगा और इंस्टेंट आपके स्किन को ब्राइटनेस देता है ये वाला। इसमें बहुत ज़्यादा इन्ग्रीडियंट्स भी यूज़ नहीं होते हैं, सिर्फ कुछ इन्ग्रीडियंट्स हैं बेसिक, आपके घर में मिल जाएंगे। मगर इसका जो रिज़ल्ट आता है, जो प्रोडक्ट बनता है, वो बहुत ही अमेजिंग है, मुझे काफ़ी पसंद आता है। तो इसमें सबसे पहले मैं ये यूज़ करूँगी एलोवेरा जेल, जो कि है द फेस शॉप ब्रांड का जेजू एलोवेरा जेल। ये प्रोडक्ट भी मुझे काफ़ी पसंद है। अगर कोई चाहता है कि मैं इसका रिव्यू करूँ तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसका रिव्यू ज़रूर करूँगी। तो मैंने इसको इतनी बार बनाया है कि मुझे इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि आप लोग कहेंगे कि मैं बिना किसी आइडिया के ले रही हूँ। तो इसमें मैंने करीब 4 टेबल स्पून एलोवेरा जेल लिया है, क्लियर एलोवेरा जेल है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। अवॉइड कीजिएगा कि आप ग्रीन कलर का ना लें, क्योंकि उसमें केमिकल्स की वजह से वो ग्रीन होता है, वो एक्चुअल में एलोवेरा का कलर नहीं होता है। तो मैंने 4 टेबल स्पून यहाँ पर एलोवेरा जेल लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी विटामिन ई आमंड ऑयल, ये वाला अमेजिंग है, अमेजिंग, बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम के लिए ये काफ़ी अच्छा है। तो मैं 10 ड्रॉप्स करीब ये वाला जो है लूँगी आमंड ऑयल। अच्छा, मेरी काफ़ी फ्रेंड्स ये कहती हैं कि जैसा टेक्सचर मेरा आ पाता है उनका नहीं आता, तो आज टाइम मैं वीडियो को बिना एडिट किए आपको दिखाऊंगी कि एक्चुअल में टेक्सचर आता है अगर आप सही अमाउंट में प्रोडक्ट को मिक्स करें। तो सेम अमाउंट 10 to 12 ड्रॉप्स हम ग्लिसरीन की ऐड करेंगे। ग्लिसरीन भी हमारे स्किन के लिए, फेस के लिए काफ़ी अच्छा वर्क करती है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। तो इसमें सेम 10 ड्रॉप्स के करीब मैं ऐड करूँगी ग्लिसरीन भी। और एक मैंने ये ले रखा है, देखिए ईयरबड टाइप का है, तो अगर आप फिंगर से आप हेल्प से चाहे मिक्स करना तो कर सकते हैं, बट इट्स लिटिल अनहाइजीनिक। तो मैंने एक ये ले रखा है, इसकी हेल्प से आप चाहे तो किसी भी एक स्पून ले लें, उसकी हेल्प से मिक्स करेंगे। और ये देखिए, मैं यहाँ पर वीडियो को एडिट नहीं करूँगी और आप खुद देखेंगे कि टेक्स्चर चेंज होता है। देखिए धीरे धीरे इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है और ये इतना अमेजिंग आता है। मैंने काफ़ी हाई एंड और ड्रग स्टोर प्रोडक्ट ब्राइटनिंग लोशन के पर्पज़ से यूज़ किए हैं और ये वाला जो मैंने बनाया है ये सेम इफ़ेक्ट देता है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट बनता है। अगर आपके पिंपल्स आते हैं स्किन में तो ये उन पे भी आपको पिंपल्स नहीं आएंगे, क्योंकि ये जेल बेस्ड है, तो काफ़ी अच्छा उसके लिए भी ये ब्राइटनिंग स्किन आपकी करता है। और जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि मेरी स्किन ऑयली है तो हम ऑयल यूज़ नहीं कर सकते हैं अपने फेस पे, तो इस पर्पस में जब आप ऑयल ऐड करेंगे और जब आप उसको जेल के साथ मिक्स करेंगे तो उसका जो टेक्सचर है वो चेंज हो जाएगा, गुडनेस आपको मिलेगी, बट जो ऑयल की वजह से पिंपल्स आपको आते हैं वो एक्चुअल में नहीं आएंगे। तो देखिए सिर्फ 1 मिनट में ही ये बन गया है, इसका टेक्सचर चेंज हो गया और बहुत ही अमेजिंग इसका रिजल्ट है। ये देखिए, जैसे कि मैंने कोई भी क्रीम का रिव्यू आपको किया होगा, आप देखते होंगे, तो बिल्कुल ऐसा ही टेक्सचर आता है, ग्रीसीनेस भी नहीं है, मॉइस्चर लेवल भी बहुत अच्छा है और ब्राइटनिंग भी बहुत अच्छा है। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट आपको लगेगा, आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं 15 दिन के लिए, आप अगर इतना ही अमाउंट बनाएंगे 15 डेज आपका आराम से चलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें मेरी वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और देखते रहें मेरे चैनल को यूं ही।